हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ नैन्सी। नैन्सी के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू परवर की बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी। तो आप देखिए और हमारी तरह बनाइएगा और खाइए, हमें कमेंट्स करके बताइए। हमने चला लिया गैस। और इसमें डालेंगे हम तेल। डालते हैं परवर। परवर को हम पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपने कर रखा है तो थैंक यू। इसी तेल में हम थोड़ा तेल और डाल देंगे। इसमें डालेंगे पहले हम खड़े मसाले अपने, दालचीनी, काली वाली लौंग बड़ी वाली, एक स्टार फूल का दाना, दो हरी इलायची और लौंग, तेज पत्ता, जावित्री और काली मिर्च। पहले इसको हम भून लेंगे। और अब हम डाल देते हैं इसमें प्याज। और अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक और लहसुन कूटा हुआ दरदरा। और इसमें डालेंगे हम हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर। और इसमें डालेंगे एक ये सैसे राजेश मसाले का जो 5 रुपए का आता है। ये सब्जियों के लिए गरम मसाला है, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये। और इसी में हम डाल देंगे ये टमाटर की 1 कटोरी प्योरी है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाले को 2-1 मिनट भून लेंगे बढ़िया से। तो अब देखिए इसके किनारों में थोड़े थोड़े से तेल अलग हो रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है ये मसाला भुन गया है, क्योंकि तेल और मसाले अलग हो गए। और ज़्यादा तेल डला नहीं था इसलिए इतना तेल आपको दिख रहा है। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है। मसाला आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू और परवल। इसमें डाल देते हैं हम पानी।
आलू अभी हमारे कच्चे हैं तो इसको पकने के लिए भी चाहिए और हल्की सी ग्रेवी चाहिए हमें। जैसे कहते हैं ना लुटपुट वाली सब्जी, तो ये समझ लीजिए लुटपुट सी बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम कढ़ाई को ढक देते हैं और 10 मिनट बाद खोल के देखेंगे। देखिए अब हमारी सब्जी 5 मिनट हुआ है अभी उबल रही है। इसको ऐसे ही ढक के और 5 मिनट पका लेंगे। अब देखते हैं हम अपनी सब्जी। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। आलू कभी भी चेक करना हो ऐसे, देखिए कट जा रहा है। अभी हमारी सब्जी ये हो गई है। बन गई हमारी सब्जी। आप हमारे तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारे हाथ की सब्जी कैसी लग रही है, या हमारे तरीके से सब्जी कैसी लग रही है, या हमारे को कौन सी सब्जी या कौन सी चीज़ बनानी चाहिए।